हेलो बच्चों लोग, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वंस अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। तो बच्चों लोग, अपन अभी डिजास्टर मैनेजमेंट का अपन ने वीडियो देखा था बच्चों लोग, तो ये इसका पार्ट थ्री है और इसका लास्ट पार्ट होगा बच्चों लोग। आज 8th स्टैंडर्ड का साइंस के जो हमने अब चैप्टर स्टार्ट किया था बच्चों लोग, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर था। हमने अर्थक्विक के बारे में पढ़ा था, हमने फायर के बारे में भी पढ़ा था बच्चों लोग। तो आज अपन एक नया टॉपिक देखने वाले जो है लैंडस्लाइड्स। तो ये लैंडस्लाइड्स क्या होते हैं चलो देख लेते हैं। अभी अपने इमेज देख के आपको पता चलेगा, देखो यहाँ पर एक इमेज है, ये इमेज देख के आपको पता चला होगा कि लैंडस्लाइड क्या होते हैं, ठीक है। ये इमेज देख लो एक बार, इमेज देख के पता चला होगा लैंडस्लाइड क्या होते हैं। आपने सुना होगा कभी कभी माउंटेन्स क्या होते हैं बच्चों लोग, माउंटेन्स में से एक भाग होता है, एक पार्ट होता है, वो टूट के नीचे सरक जाता है ना। या फिर कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा ऊपर से बहुत सारे माउंटेन्स या फिर बहुत सारे पत्थर, बड़ा पत्थर नीचे गिर जाता है, या फिर जमीन के अंदर कभी कभी क्रैक्स हो जाते हैं। तो दीज आर द ऑल आर दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ बच्चों लैंडस्लाइड्स, ठीक है। ये सारे लैंडस्लाइड्स होते हैं। तो चलो थोड़ा थोड़ा करके अपन लैंडस्लाइड्स पूरा देख लेंगे बच्चों लोग। अब यहाँ पर देख लो, सबसे पहला लैंडस्लाइड मतलब क्या होगा, नेचुरल क्रैक्स एंड फिशर्स प्रेजेंट इन हार्ड रॉक्स कॉज द ब्रेकिंग। मतलब होता क्या, मैं तुमको एक बात बता देता हूँ कि जमीन के अंदर ना बच्चों लोग कुछ इस तरीके के क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है। जमीन के अंदर क्या होता है, इस तरीके के क्रैक्स आ जाते हैं। और क्रैक्स आ जाने के कारण देखो यहाँ पर भी देखो जमीन के अंदर कैसे क्रैक्स आ जाते हैं, माउंटेन्स के ऊपर क्रैक्स आ जाते हैं। और जब क्रैक्स आ जाते हैं माउंटेन के ऊपर तो बारिश होती है, और बारिश होती है तो क्या होगा, वो क्रैक्स के अंदर पूरा पानी चले जाता है। तो क्रैक्स के अंदर पानी चले जाने के वजह से प्रेशर बढ़ जाता है और वो पूरा पूरा जो पार्ट होता है वो टूट के नीचे घसर जाता है। तो इस तरीके से लैंडस्लाइड होती है, समझ में आया। लैंडस्लाइड कैसे होती है, जो क्रैक्स होते हैं, ये जो क्रैक्स होते हैं माउंटेन है, माउंटेन के ऊपर क्रैक्स है, उसके अंदर पानी चले जाता है, बारिश होती है तो पानी चले जाता है तो क्या होगा, वो क्रैक क्या होंगे, वो क्रैक के अंदर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा और वो पूरा का पूरा क्या होगा, वो माउंटेन नीचे गिर जाएगा। एक दुर्घटना हो गई थी पुणे डिस्ट्रिक्ट में, माळीन नाम का एक गाँव था बच्चे लोग। वो माळीन नाम के गाँव में क्या हो गया था, रात को सब लोग सो रहे थे और एक बड़ा सा लैंडस्लाइड हो गया, पूरा का पूरा पर्वत नीचे आ गया और सारे लोगों के ऊपर मर गया, काफी लोगों की मौत भी हो गई थी बच्चे लोग वहां पर, ठीक है। तो मुझे लगता है इंसिडेंट कुछ 6-7-8 साल पहले हुआ था, लेकिन बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो गई थी, तो वो भी एक बड़ी लैंडस्लाइड ही थी बच्चे लोग, ठीक है, समझ में आ गया। तो लैंडस्लाइड का मतलब अपने को क्या है वो समझ में आ गया। तो बच्चे लोग, कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड कॉज के, उसके कॉजेज क्या है लैंडस्लाइड के, वो देख लेंगे। तो देखो, आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, हैवी रेन, स्टॉर्म, फ्लड्स कॉजेज लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्यों होता है बच्चे लोग, कि अगर सपोज बहुत बड़ा अर्थक्वेक भी आ जाता है, अर्थक्वेक भी आ जाने से क्या हो जाता है बच्चे लोग, माउंटेन्स लूज हो जाते हैं, लूज हो जाने की वजह से मैं बोल सकता हूँ कमजोर हो जाते हैं, और कमजोर हो जाने की वजह से वो क्या होगा, नीचे से घसर जाता है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े अगर सुनामी भी आता है, बहुत जोरों से तेजों से बारिश आ जाती है, या फिर बहुत बड़े बड़े तूफान आ जाते हैं, फ्लड्स आ जाते हैं, तो इसके कारण क्या हो जाता है, वो माउंटेन वीक हो जाते हैं बच्चे लोग, और वीक हो जाने की वजह से वो नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। इसलिए वो लोग बोलते हैं ना कि बारिश, तेज बारिश होती होगी तो ट्रेकिंग को नहीं जाना चाहिए, फोर्ट्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए, माउंटेन्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो यही रीजन होता है बच्चे लोग, वो बोलते हैं नहीं जाना है, गवर्नमेंट इसलिए इस चीजों को बैन कर देती है, ठीक है। अनलिमिटेड कटिंग ऑफ ट्री कॉजेस सॉइल इरोजन। अभी आपने को मैं तुमको बोला सॉइल इरोजन मतलब क्या, ट्रीज बच्चे लोग, अभी तुम पेड़ लगा रहे, पेड़ वगैरह लगा रहे हो, तुमने पेड़ अगर कट कर दिए, पेड़ कट कर दिए बच्चे लोग, तो सॉइल इरोजन हो जाएगा। सॉइल इरोजन मतलब देखो ये वाला चित्र, ये सॉइल इरोजन का ही है, मतलब सॉइल के अंदर क्रैक्स हो जाते हैं। और अपने को मालूम है अगर एक बार सॉइल के अंदर क्रैक्स हो गए, सॉइल के अंदर क्रैक्स आ गए तो क्या हो जाएगा, इस तरीके की इसमें पानी चले जाएगा, और पानी चलने के जाने की वजह से क्या होगा बच्चे लोग, वो माउंटेन वीक हो जाता है, और वीक होने की वजह से वो टूट के आगे आ जाएगा, तो उसी को बोलेंगे बच्चे लोग अपन लैंडस्लाइड्स, समझ में आ गया। वेल, बिल्डिंग रोड इन माउंटेन्स देयर इज अ लॉट ऑफ डिगिंग दैट मेक्स द माउंटेन वीक। अभी कभी 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 अपन घाट बनाते हैं माउंटेन के ऊपर, कभी कभी घाट होता है ना बच्चे लोग, तो घाट बनाते वक्त क्या हो जाता है बच्चे लोग, वो जो ये होता है माउंटेन होता है, तो उसको अपन खड्डा विड्डा खोदते हैं, या फिर बिल्ड माउंटेन के ऊपर बिल्डिंग बनाते हैं, अगर ऐसी कुछ चीजें बच्चे लोग अपन करते हैं तो वो क्या हो जाता है बच्चे लोग, उसके उससे क्या हो जाता है, जो हमारा माउंटेन है वो वीक हो जाता है। वीक हो जाता है मतलब उसमें की जो मजबूती होती है वो अपन होल करते वक्त इतना ज्यादा कभी कभी एक्स्ट्रा खड्डा कर देते हैं कि वो माउंटेन एक बार कमजोर हो जाएगा, और माउंटेन कमजोर हो गया कि पूरा का पूरा माउंटेन नीचे घसर जाएगा, उसी को बच्चे लोग अपन लैंडस्लाइड भी बोलते हैं। तो ये हो गया आपके कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लास्ट देख लेंगे बच्चे लोग, ये इफेक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड होने के बाद क्या क्या होगा। रिवर गेट्स फ्लडेड एंड चेंज द पाथ। बच्चे लोग, अगर सपोज रिवर है, एक नदी है, नदी के ऊपर अगर लैंडस्लाइड हो गया, नदी के ऊपर अगर सपोज एक बड़ा सा डोंगर है, बड़ा सा माउंटेन है, वो नीचे आके उसके ऊपर आके रुक गया नदी के ऊपर, तो नदी क्या कर देगी बच्चे लोग, नदी अपना रास्ता चेंज कर देगी।
नदी क्या करेगी, अपना रास्ता सीधा जा रही थी, माउंटेन आ गया तो उसका रास्ता वो मोड़ देगी, और नदी ने रास्ता मोड़ दिया बच्चों को, तो बहुत ज्यादा लाइफ इफेक्ट हो जाती है। अगर सपोज एक घर उदाहरण पर बस्ती है, बस्ती वगैरह में वो नदी अगर उसने रास्ता रास्ता बस्ती में से करवा लिया तो पूरी बस्ती उजड़ गई, और जो जो लोग आगे जो नदी के ऊपर डिपेंड थे कि नदी आ रही है वहां से मुझे पानी मिलेगा, फिर मुझे मेरी खेत चलेंगे, तो वो लोग नदी की राह देखते बैठेंगे, लेकिन नदी का पानी उनकी तरफ पहुंचेगा क्या, नहीं, तो उसके वजह से क्या होगा, वहां पर की जो लाइफ थी, वहां पर की जो खेती थी वो पूरी नष्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, लैंडस्लाइड होने से दोनों लाइफ, मतलब जहां पर लोग रहते थे और जहां पर लोग खेती करते थे, ये दोनों लाइफ क्या हो गए बच्चों, डिस्टर्ब हो गई। ठीक है, ये तो बात हो गई। डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटरफॉल, फॉर्मेशन ऑफ आर्टिफिशियल वाटर रिजर्वॉयर्स, कभी कभी क्या होता है नदी ने रास्ता चेंज कर दिया, फिर लैंडस्लाइड हो गया, लैंडस्लाइड होने के बाद क्या, इधर तो बड़ा खड्डा हो जाएगा उसके अंदर पानी जमा हो जाएगा, उधर पानी जमा हो जाएगा तो वापस दिक्कतें आ जाएगी, या फिर कभी कभी अपने आप जहाँ झरने नहीं थे वहां से झरना बहना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, झरना बहना स्टार्ट हो गया तो भाई वहां लोग रहते रहेंगे तो वो भी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। तो लैंडस्लाइड होने से बस सिर्फ लैंडस्लाइड यानी फिर वो डोंगर गिरता इतना नहीं होता बच्चे लोग, उसके वजह से बहुत सारी चीजें अफेक्ट होती है। नदी अपना रास्ता बदल रही यही बहुत बड़ी बात है, ये बात ध्यान में, ठीक है। देयर इज अ लाइफ एंड फाइनेंशियल लॉस, अभी मैंने तुमको बोला था मालीन दुर्घटना हो गई थी, मतलब मालीन जो गांव है महाराष्ट्र में, पुणे में एक गांव है मालीन नाम का, वहां पर जो दुर्घटना हो गई थी उसमें इधर बहुत सारे लोग, मतलब पूरा का पूरा गांव एक ही दिन में मर गया था, ये बात सोचो, एक ही दिन में इतने सारे लोग मर गए बच्चे लोग, तुम सोचो क्या होगा फिर उनके उनका उनके घर वाले क्या सोचते रहेंगे, ठीक है। और फाइनेंशियल लॉस, फाइनेंशियल लॉस मतलब इतना खर्चा, तो अभी ब्रिज बीच बांधा होगा तो वो आगा लैंडस्लाइड आ गया, ब्रिज भी टूट जाएगा, लोग रहते थे वो भी मर गए, फिर लोग तो मर ही गए लेकिन उसके साथ उनके घर भी उजड़ गए, जो अच्छे रास्ते बने थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, नदी ने भी अपना रास्ता चेंज किया तो वापस नया नदी के लिए वापस रास्ता बनाओ, तो खर्चा बढ़ता है बच्चों, फाइनेंशियल लॉस भी बहुत ज्यादा होता है। कौन सा भी डिजास्टर आने दो, छोटा में से छोटा डिजास्टर या फिर बड़े में से बड़ा डिजास्टर, कौन सा भी डिजास्टर आने दो बच्चों, लोग लाइफ चेंज होती है, मतलब फाइनेंशियल लॉस बहुत ज्यादा चेंज, फाइनेंशियल लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, उसके वजह से पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, ठीक है। लैंडस्लाइड अफेक्ट्स द ट्रैफिक, अभी ये क्या बोलने की बात नहीं है भाई, रोड बंद हो गया, माउंटेन कुछ तो गिर गया, अभी ये बॉम्बे पुणे हाईवे देखो, हमेशा वहां पर लैंडस्लाइड होती है, जब भी बहुत जोर से तेजी से बारिश हो जाती है बॉम्बे पुणे हाईवे बंद हो जाता है, क्यों, क्योंकि वहां से डोंगर नीचे गिर जाता है, पूरा रास्ता जाम, तो फिर कम से कम गाड़ी चार चार पांच पांच घंटे अपनी जगह से नहीं हिलती, इतना डेंजर रास्ता जाम हो जाता है। और कभी आप बॉम्बे पुणे रोड में से ट्रैवल भी कर लोगे हाईवे नया एक्सप्रेस हाईवे में से, तो वहां पर जो डोंगर है वहां पर उन्होंने ऐसी जाली बिठाई है, स्टील की ऐसी जाली बिठाई है, क्योंकि जो डोंगर है वो नीचे गिरे ना और लोगों की जान न चली जाए, ठीक है। तो वहां से इसलिए ट्रैफिक के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है बच्चों लैंडस्लाइड का, और इट ऑल्सो डिस्ट्रॉय प्लांट लाइफ, ठीक है, प्लांट्स वगैरह भी मर जाते हैं बच्चे लोग, ठीक है, अपने को मालूम है जो डोंगर के ऊपर जो प्लांट वगैरह थे वो डोंगर ही नीचे गिरे तो सारे प्लांट जिंदा रहने वाले हैं क्या, प्लांट्स भी जिंदा नहीं रहेंगे बच्चों, तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल सा टॉपिक था आज के लिए, थोड़ा बहुत सेंटिमेंटल टॉपिक था क्योंकि मालीन गांव के वहां पर हमने विजिट भी किया था बच्चे लोग देखने के लिए कि वहां पर क्या हो गया था, वहां पर लोगों को हमने मदद भी की थी लास्ट ईयर, मतलब जब हम गए थे तब, ठीक है। तो बच्चे लोग होप सो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, और ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो चैप्टर हमने खत्म कर दिया बच्चे लोग, ठीक है, होप सो आपको पसंद आ गया होगा। बच्चे लोग लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये चैप्टर के हैंडरिटन नोट्स बच्चे लोग आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, ज्ञान सागर एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड नहीं किया होगा सबसे पहले वो जाके डाउनलोड कर लो, वहां पर आपको इसके हैंडरिटन नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।